नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं लद्दाख की नुब्रा वैली में हुंडर गांव में हूं। मैं आपको हाइट से रोड पे खड़े होके सैंड ड्यून्स दिखा रहा हूं। देख लीजिए सामने, नुब्रा वैली की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन सैंड ड्यून्स है। मैंने देखा यहां पर टूरिस्ट कैसे जर्नी प्लान करते हैं। लेह से जब चलते हैं ना, तो नुब्रा वैली में फर्स्ट नाइट वो पसंद करते हैं हुंडर में रुकना। मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं, फिर हुंडर से तुरतुक जाते हैं, वापस लौटकर हुंडर आते हैं और उसके बाद या तो चले जाते हैं पैंगोंग या फिर अदर साइड ऑफ नुब्रा वैली जहां हम अभी जाने वाले हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं। जैसे हमारा अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि यहां से हम दिस्किट जाएंगे, मोनेस्ट्री विजिट करेंगे, उसके बाद खालसर होते हुए हम सुमुर जाएंगे, उसके बाद पनामिक जाएंगे। सुमुर में हमको म्यूजियम देखने को मिलेगा और पनामिक में हमको हॉट वाटर स्प्रिंग मिलेगा। ये हमारा आज का प्लान है। नाइट से हम सुमुर में करेंगे और पैंगोंग लेंगे कल जाने का सोच रहे हैं। जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ना, सामने जितने भी आप पहाड़ देख रहे हो, पूरे 360 डिग्री आप अच्छे से देख लो, ये सारे के सारे पहाड़ ऐसे हैं जिसमें आपको ग्रीनरी ज़ीरो दिखाई देगी। एक पेड़ तो बात की बात है, कोई पौधा भी नहीं है। सिर्फ जो ग्रीनरी मिल रही है हमको वैली साइड में मिल रही है, यहाँ पर नीचे रेगिस्तान के बगल में। और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नुब्रा वैली में लेह के मुकाबले में ग्रीनरी थोड़ी सी ज़्यादा है। सही लग रहा है, नाइस व्यू पॉइंट। और अब हम यहाँ से दिस्किट की ओर चलते हैं। दिस्किट मार्केट से हमने जैसे मोनेस्ट्री के लिए चलना स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद मैंने देखा ये मोनेस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। तो अब हम चलते 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 पहाड़ के ऊपर आ गए। ऊपर आके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मोनेस्ट्री है। दिस्किट की ये सबसे बड़ी और ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, ऐसा कहते हैं 600 साल पुराना मोनेस्ट्री है। ऊपर जाके हम डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पर सामने हमको हाइट पे ना मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू दिखाई दे रहा है, फ्यूचर बुद्धा। चलिए ऊपर चलते हैं। सांस चढ़ गया। 170 सीढ़ियां तो मैंने गिन ली है, अब लगभग 10 सीढ़ी हो रहा है। यानी टोटल जहां गाड़ी खड़ी करी है वहां से मोनेस्ट्री तक आने के लिए 180 सीढ़ियां। लो जी पहुंच गए। हम टेंपल के प्रेमिसेस में जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले मैंने जाके अंदर दर्शन करे। सामने ही टेंपल है, इस समय मैं टेंपल के बाहर खड़ा हूँ। अंदर की तरफ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर खड़े होकर स्थान के बारे में बता रहा हूँ। अब ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ, मतलब जानने के लिए हमारे साथ लामा जी हैं। जो बातें मुझे समझ में आई मैं रिपीट करता हूँ, बाकी आप बताइएगा। एक तो हमने अंदर महाकाल के दर्शन किए, दो मूर्तियां थी, एक में 32 हैंड्स थे, एक में 16 जी। और एक मैंने और मूर्ति का दर्शन किया, वहां भी महाकाल लिखा था जी। जिसमें स्कल था हाथ में उनके जी। थोड़ा आगे का आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो अभी से 400 साल पहले यहाँ मंदिर लूटने के लिए आया था ना, लूटने, हाँ मंदिर लूटने के लिए आया था। उस समय उसने क्या किया, मंदिर का जो वैसे दरवाजा शरा तोड़ के अंदर चला गया। जाने के बाद उसने शायद खंजर कुछ जमीन पे गाड़ दिया, तो गाड़ने समय क्या हुआ, अपने कपड़े का भी साल लगा दिया। ता लगाने के बाद क्या हुआ, बाद में वो पीछे होते समय वो फंस जाएगा ना, फिर उधर ही वो डर के मर गया। मरने के बाद इसके लाश यहाँ से बाहर फेंक दिया ऐसे। फिर कल सुबह जब आरती होता है उस समय वो लाश ऑटोमेटिक इसी मंदिर के अंदर पहुँच जाता था, ऐसा हम लोगों ने सुना कि दो तीन बार बाहर फेंक दिया, तीन बार अंदर पहुँच गया। उसके बाद सिर और जो हार्ट काट के वहाँ व्हाइट महाकाला के हाथ में चढ़ा दिया। महाकाला बोलते हैं, महाकाल, महाकाल, महाकाल जी। अच्छा, तो ये जो लूटने आए थे वो कौन लोग थे? ये मंगोलिया का कोई लोग, मंगोलिया का कोई सेना बोलता है, शायद कुछ ग्रुप जैसा था। अच्छा जी, उसका राजा का मैंने सुना था, हम लोगों ने उसका राजा का नाम सुब्बो जुंगर ऐसा नाम का कुछ राजा था। अच्छा जी, तो ये जो मोनेस्ट्री है ये कौन से सेक्ट को फॉलो करती है? ये गिलुपा का। तो टोटल टिबेटन बुद्धिज्म में कितने सेक्ट होते हैं? इसमें से चार में से सस्क्या, निमा, करगुत, गिलुक, ये जो है गिलुपा का सेट के अंदर। सही है, आपने काफ़ी हमें जानकारी दे दी। और विंटर्स में यहाँ, जस्ट नॉलेज के लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा रोड से भी हम हाइट पे आ गए हैं, कितना टेम्परेचर हो जाता है यहाँ? माइनस कभी कभी तो लास्ट 25 तक चला जाता है, कभी कभी, हर साल नहीं। तो उन दिनों में आप मोनेस्ट्री क्लोज कर देते हैं, रहते हैं यहाँ? नहीं, खुला रहेगा।
टूरिस्ट आते हैं विंटर्स? टूरिस्ट कम आएगा, यहाँ की लोकल लोग आएगा। अच्छा जी, थैंक यू, धन्यवाद। जुले हमने 5 मिनट पहले तक तो वहां थे, अब 700-800 मीटर का हमने सफर किया और मोनेस्ट्री से हम मैत्रेय बुद्धा जी के स्टैचू के पास तक आ गए हैं। गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई है, अब हमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। मैत्रेय बुद्धा जी का कितना खूबसूरत स्टैचू बनाया, सिटिंग पोस्चर, 106 फीट ऊंचा और पहाड़ के ऊपर, तो इतना अमेजिंग व्यू हमको दिखाई दे रहा है कि शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। 5-10 मिनट यहाँ पे रुकते हैं और फिर हम सुमुर होते हुए पनामिक जाएंगे। बीच में ना मैं चाहता हूँ मैं नुब्रा और श्योक नदी का संगम भी देख लूँ, देखते हैं अगर रोड से देख सकेंगे सही है, और थोड़ा बहुत चलना भी पड़ा तो भी रुकेंगे, बाकी रास्ते में जाने से मालूम चलेगा कि संगम पॉइंट तक हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। स्टैचू विजिट करके ना हम जैसे नीचे की तरफ आए ना तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स दिखाई दिया, तो मैंने पता लगाया यहाँ पर ना टूरिस्ट के रहने की फैसिलिटी है, जैसे डबल ऑक्यूपेंसी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से टैरिफ में फ़र्क है, और स्टार्टिंग टैरिफ 1500 रुपये है, 1500 से 2000 के बीच में। तो मैं अभी जाके रूम देकर आया था, मेरे को रूम कम्फर्टेबल लगा। अगर आप दिस्कत में रुकना चाहते हैं तो यहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बगल में सामने यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट भी है। लाइट की प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, 6 से 11 तक लाइट रहती है शाम को, उसके बाद डार्क हो जाता है। कभी कभी जो सोलर से लाइट सेव करी होती है वो रात के समय आ जाती है, लेकिन वो डेली नहीं है, ऐसा मेरे को बताया गया। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी रास्ते पे ना मैंने एक और जगह सैंड ड्यून्स देखे, और मैंने नोटिस किया यहाँ पर ना एटीवी भी चल रहा है, तो हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं। जैसे वो देखो सामने एटीवी चल रहा है ना, मैंने भी पूछा इनसे कि भाई एटीवी का क्या चार्ज लेते हो, तो ये कह रहे हैं कि एक आदमी का 1000 रुपीज़, दो लोग का 1500 रुपये, इंस्ट्रक्टर साथ में होता है। हमने सुमुर के सैंड ड्यून्स के पास पहुंच चुके हैं, अब देखो सामने हमारे नुब्रा रिवर है, लेकिन हम वहां तक जाएंगे कैसे ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा दलदल जैसा भी लग रहा है और पानी भी है, तो वहां तक जाना मुश्किल है। और नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम इधर से पीछे चले और सैंड ड्यून्स के ऊपर चलते चलते हम नुब्रा रिवर को नज़दीक से देखें, ये ठीक रहेगा। यहाँ से चलते हैं। वाओ, सैंड ड्यून्स के ऊपर चलकर कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ से देखो ना मैं ऊपर खड़ा हो गया, अब मेरे को रेत के टीले जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। व्हाट अ व्यू, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन फिर भी बहुत मस्त व्यू है इस जगह खड़े होके। जूते में रेत जाएगी लेकिन ठीक है, ये पहुंच गए, बहुत खूब। ये किसने दिमाग लगाया यहाँ पर बेंच रखने का, सही है, बहुत खूब। इस समय यहाँ पर हमारे सिवा कोई भी टूरिस्ट नहीं है, दो फॉरेनर्स दिख रहे हैं दूर बस, बाकी हम हैं।
लो जी फाइनली हम नुब्रा रिवर के पास पहुंच ही गए। यहाँ तक आने के लिए ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हम पैदल चले, लेकिन मज़ा खूब आया। सामने आप जो इतने भाव में नदी चलती देख रहे हो ना, इसको नुब्रा रिवर बोलते हैं, सियाचिन से आ रही है। श्योक रिवर भी सियाचिन के दूसरे हिस्से से आ रही है। तो यहाँ पर खड़े होके हम नुब्रा रिवर और उसके करंट को तो बहुत नज़दीक से महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब ये ना ऐसे घूम के, क्योंकि रास्ता आगे बंद है ना, घूम जाएगी यहाँ पर और वहाँ पर सामने मिल जाएगी श्योक रिवर को। तो नुब्रा ने पानी अपना श्योक में छोड़ दिया और श्योक रिवर फिर चलती चलती, हमने देखा था ना कल जब हम सफ़र कर रहे थे, तुरतुक में श्योक रिवर देखी थी हमने, फिर वो पीओके एंटर कर जाएगी और उसके बाद फाइनली अरेबियन सी, पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी। मेरा मन था मैं ये दो नदियों का संगम अपनी नज़रों से देखूं, कहीं पर हम हाइट पे खड़े हो जाए और संगम देख लें, लेकिन वैसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। एरियल व्यू से हम दो नदियों का संगम आपको दिखा सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं। आज रात को नाइट स्टे करने के लिए हमने अकोमोडेशन सुमुर में ली है। ये रूम है जी, अच्छा खासा स्पेशियस रूम है। यही अकेला स्पेशियस रूम था, बाकी इसके मुकाबले में थोड़े से छोटे हैं। तो इसका टैरिफ ये लोग हमसे चार्ज कर रहे हैं 2,000 रुपीज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, और वैसे अदरवाइज टैरिफ यहाँ पे 2,500 की रेंज में चलता है। तो अभी कम किस वजह से, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है तो ये कोटी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ये सामने आप सेब का पेड़ देख लो, मैंने हुंडर में भी सेब के पेड़ देखे थे, एप्पल इन लद्दाख। आज का हमारा एपिसोड थोड़ा छोटा जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल की जो हमारी जर्नी है, कल हम सियाचिन बेस कैंप जाने का सोच रहे हैं, उसको आज की जर्नी के साथ क्लब करके एक एपिसोड बना दें 25 या 30 मिनट्स का, तो बेहतर रहेगा। तो फिलहाल मैं आपको यहीं पे बाबे करने वाला हूँ। कल जब सियाचिन बेस कैंप से वापस आएंगे तो पनामी घूमते हुए यहाँ पर आएंगे सुमुर, और परसों सुबह हम पैंगोंग जाएंगे। तो हमारी जो पैंगोंग जर्नी है वो एक दिन आगे चली गई है, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए आपको बाय बाय, अब आपसे मुलाकात हमारी कल सुबह होगी। गुड मॉर्निंग, इस समय हम नुब्रा वैली के सुमुर गाँव में हैं। चौराहे पर खड़े होकर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ। सामने जो रोड देख रहे हो, कल हम इधर से ही आए थे, हुंडर से खालसर होते हुए हम यहाँ पर आ गए। अब आज हम सियाचिन बेस कैंप जा रहे हैं। सामने आप हिल्स देख रहे हो चारों तरफ, खास तौर पे ये जो सामने इधर की हिल्स है ना, इन पे बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, बहुत खूब। इस समय सुबह 8:15 का टाइम है। हम सियाचिन बेस कैंप की जो जर्नी है उसमें कोशिश करेंगे कम से कम हॉल्ट लें, जैसे फिर जर्नी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए जी, सुमुर से हमने 39 किलोमीटर का सफर किया है और अब हम ससोमा ब्रिज तक पहुंच गए हैं। एक बहुत खूबसूरत वाटर स्ट्रीम के पास खड़े होकर हम आपको यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं, कितना मस्त लग रहा है ना। पनामी 18 किलोमीटर पीछे रह गया, तो सुमुर से जब हम चले थे ना, तो हमने गाड़ी रोकी नहीं, जहाँ जहाँ व्यूज अच्छे आते थे वह गाड़ी स्लो कर लेते थे, लेकिन उतरे हम 39 किलोमीटर के बाद हैं। अब एक काम करते हैं, वाटर स्ट्रीम के पास चलते हैं और पानी के करंट को नज़दीक से देखते हैं। ये सारा सियाचिन ग्लेशियर का पानी है जो सामने हम यहाँ पे देख रहे हैं।
सामने आप नोटिस करो, पहाड़ के बीच में से पानी निकल रहा है जो यहाँ स्ट्रीम फॉर्म कर रहा है। दोरजी भाई, हाँ जी भाई साहब, हेलो दोरजी भाई, हेलो हेलो, आजो आजो। आज सुबह हम सुमूर से 8 बजे चले थे, 2.5 घंटे का हमने सफर किया और जस्ट अभी आधा किलोमीटर पहले हमने वार्षी गांव पार किया है। इस साइड का वार्षी गांव इंडिया का आखिरी गांव है, इसके आगे रास्ता बेस कैंप को चले जाता है। हमने गाड़ी रोकी है आपको एक बहुत खूबसूरत नुब्रा नदी का व्यू दिखाने के लिए। ये टेरेन एकदम अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा लग रहा है नदी किनारे खड़े होके। अभी काफी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट पिछले 1-1.5 घंटे से जब हम सफर कर रहे हैं, एक भी गाड़ी ना, मैं टूरिस्ट व्हीकल की बात कर रहा हूँ, सामने से नहीं आई। अभी ये जगह ना ज्यादा पॉपुलर अभी तक हुई नहीं है अमंग टूरिस्ट। काफी लोगों को ये मालूम नहीं है कि सियाचिन बेस कैंप टूरिस्ट के लिए ओपन है। चलिए चलते हैं। हम सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं। पीछे आपको हट दिखाई दे रही है, उसके पीछे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है। तो यहां से चलते चलते हम लोग इधर तक आ गए हैं। पहले मैं आपको ग्लेशियर दिखा देता हूं। इस ग्लेशियर की खास बात मालूम है क्या है? इंडिया का ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है और ऐसा कहते हैं वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। टोटल लेंथ ग्लेशियर की कितनी है? 76 किलोमीटर। किसको बोलते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हम छोड़ दें, मतलब उसको छोड़ दें अगर, तो फ्रेश वाटर का जितना बड़ा सियाचिन ग्लेशियर सोर्स है ना, इतना कोई भी नहीं है। देखिए ये मैप है जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चिन, पीओके हाईलाइट है। अब समझने की बात यह है कि अगर इंडिया सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल नहीं बनाता तो अक्साई चिन मतलब चाइना का और पीओके का कनेक्टिविटी आसान हो जाती और अलायंस कर दो दुश्मन को एक साथ हम घिर जाते लद्दाख साइड से। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया का सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल होना। तो इससे हमें क्लियरली समझ आ गया। बाकी 5753 बोल रहे हैं इस ग्लेशियर की टोटल हाइट है, जो पीक पे हाइट है। आगे चलकर मैं आपको इस ग्लेशियर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें जो आमतौर पर काफी लोगों को पता नहीं होती। सियाचिन ग्लेशियर पे खड़े होके अपने देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जिन वीर जवानों ने अपनी जान खोई, शहीद हुए, उन सबके नाम यहाँ पर मेमोरियल में लिखे हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, सीरियल नंबर भी है, उनका रैंक, उनका नाम और सिलेक्शन ईयर ऐसे लाइन में लिखे हुए हैं इस प्रकार से। सियाचिन देखिए कोई साधारण पोस्ट नहीं है। सियाचिन में जाकर बॉर्डर को गार्ड करना अपने आप में इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं इनफैक्ट यहाँ आने से पहले बात कर रहा था एक ऑफिसर से इसी जगह, तो उन्होंने मुझे बताया कि एवरेज जो पोस्टिंग होती है सियाचिन ग्लेशियर में, वो 2-3 महीने के लिए होती है। और वहाँ पर रहने का मतलब है कि समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से उलझना पड़ता है। आपका खून जम जाता है 22,000 फीट हाइट पे, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अगर मैं अपने खुद से कंपैरिजन करूं, जब हम खारदुंगला पास पे गए थे तो मेरी उस समय ऑक्सीजन 74 चल रही थी,
जिसके पास में कम से कम 5-8 किलोमीटर रेंज में ग्रीनरी भी थी। यहाँ तो कोई ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा हिस्सा पार कर लेंगे तो जीरो ग्रीनरी। यहाँ से जब लोग चलने जाना शुरू करते हैं ग्लेशियर की तरफ, अपनी पोस्टिंग अगर किसी की चेंज होती है तो ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर लेके जाके उनको 22,000 फीट पे छोड़ देता है, वो लोग पैदल जाते हैं अपने आप को एक्लिमेटाइज करते करते। जैसे अभी हम 12,500 फीट हाइट पे हैं और जो जवान यहाँ पर आते हैं पोस्टिंग पे, फिर 2-3 महीने के बाद वापस जाते हैं, सबको सैल्यूट है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी गार्डिंग इंडियन बॉर्डर्स एट सच अ हाई ऑल्टीट्यूड। साथ में यहाँ पे एक और चीज मैंशनड है, 13 अप्रैल 1984 को यहाँ पर इंडियन आर्मी का ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हुआ। उस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी ने सियाचिन पे जाके कब्जा जमाया, उससे पहले इंडियन आर्मी का वहाँ पे कंट्रोल नहीं था। आगे चलकर हम वहाँ उस तरफ भी चलते हैं, फिर आपको इसके बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता हूँ। जय हो। अब टूरिस्ट के लिए जो एक्सेस पॉइंट्स हैं वो बस ये 0.5 किलोमीटर के दायरे में टूरिस्ट घूम सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ आके चीज़ों को समझ सकते हैं और हिंदुस्तान के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उनके बलिदान को याद कर सकते हैं। आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कराची एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सियाचिन को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, कुछ एक लाइंस थी लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि LOC कहाँ पे ड्रॉ होगी, एक सीज फायर लाइन ड्रॉ करी गई। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ जिसमें सियाचिन को लेके कोई डायलॉग नहीं था, जिक्र नहीं था कि सियाचिन में कंट्रोल किसका रहेगा। शायद इसका कारण यह था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड सियाचिन को लेके सीरियस नहीं थी। लेट 70s में इंडियन माउंटेनियर, मैं नाम भूल गया, उन्होंने पहली बार US मैप के अंदर पाकिस्तान का मैप देखा जिसके अंदर सियाचिन पाकिस्तान का पार्ट है। उससे इंडियन गवर्नमेंट को मालूम चली ये बात कि पाकिस्तान ये कर रहा है कि यूरोपियन माउंटेनियर्स को परमिट इशू कर रहा है, लाइसेंस इशू कर रहा है कि आप सियाचिन से होते हुए काराकोरम रेंज में जाओ और ट्रैकिंग करो। 1984 में मेघदूत ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सियाचिन पे कब्जा पाया गया। इस समय जहां पर मैं खड़ा हूं ना, एक बार आप ये ड्रेसेस जो सामने देख रहे हैं इसको भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड पे रहने के लिए किस प्रकार के ड्रेसेस की जरूरत है। और जब मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को भेजना स्टार्ट किया सियाचिन पे अर्ली 80s लेट 70s 78 79 के आसपास, उस दौरान में उन्होंने यूरोप की कंपनी को कुछ ड्रेसेस के ऑर्डर दिया था कि हमें इस प्रकार के ड्रेस चाहिए। तो जब इंडियन सिस्टम उस कंपनी के साथ नेगोशिएट कर रहा था ऑन द ऑर्डर, उस दौरान तक पाकिस्तान को ड्रेस डिलीवर हो गई थी। उसी बीच इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम सियाचिन पे अपना कंट्रोल बनाएंगे। 3 से 4 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली एक अटेम्प्ट ऐसा हुआ जिसमें सियाचिन पे इंडियन गवर्नमेंट का कब्जा हो गया, इंडियन आर्मी ने वहां जाके अपना फ्लैग लगा दिया। आप जानते हैं सियाचिन की सबसे ऊंची पोस्ट का क्या नाम है? बाना पोस्ट। नायब सूबेदार बाना सिंह जी अपनी टीम के साथ गए और बाना पोस्ट पे उन्होंने हिंदुस्तान का फ्लैग लगाया। और मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि 3 दिन तक उन्होंने और उनकी टीम ने खाना नहीं खाया था, और ये जो अटैक किया था रात के समय नहीं किया था, उन्होंने दिन के समय किया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अटैक होते हैं रात के समय होते हैं। तो बड़ा अनयूजुअल था और काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन से जाकर उन्होंने अटैक किया था। और तब से लेके आज तक सियाचिन पे हिंदुस्तान का कब्जा है, इंडियन आर्मी वहां पर पोस्ट गार्ड करती है। गैलरी में आया हूँ, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है, मेन बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं कि आप पढ़कर पूरी तरह से समझ सको कि इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए। तो ये सामने फोटो देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 80-85 डिग्री का इंक्लाइन है। यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, ऐसे टफ इंक्लाइन में ऊपर चढ़कर बाना पोस्ट पर कब्जा किया। तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे मालूम चला है यहाँ पर ना OP बाबा जी का मंदिर है। अभी हम मंदिर के अंदर गए, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी और मैंने जो पढ़ के समझा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा कहते हैं OP बाबा जी को यहाँ से ना मलौन पोस्ट पे भेजा गया,
जो कि नॉर्दर्न ग्लेशियर का बहुत दूर का पार्ट है, और जब वो उस पोस्ट में गए तो वहां पर उन्होंने अकेले दुश्मन का सामना किया और पोस्ट पे कब्जा किया। उसके बाद से ओपी बाबा जी के वेयर अबाउट्स के बारे में किसी को नहीं पता, और ऐसी मान्यता है कि ओपी बाबा जी सियाचिन ग्लेशियर को गार्ड करते हैं, दुश्मन पे पूरी नज़र रखते हैं, यहाँ पर जो भी आर्मी की यूनिट आती है बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद आगे पोस्ट पे जाते हैं। अंदर मैंने ओपी बाबा जी का एक बेड भी देखा, तो बेड सजाया जाता है, उनकी एक अलमीरा देखी और हारमोनियम भी मैंने देखा। ऐसा सबका विश्वास है ओपी बाबा जी आज उनके बीच में यहाँ पर हैं, बॉर्डर को गार्ड करते हैं। हर महीने की 25 तारीख को वो यहाँ पर आते हैं, 7 दिन यहाँ पर रहते हैं और उसके बाद वापस पोस्ट पे चले जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पूरा उनकी निगरानी में रहता है, और ऐसा लिखा हुआ था कि जिन 7 दिन वो ग्लेशियर में मौजूद नहीं होते, उस दिन उन दिनों में आर्मी को कहा जाता है आप जरा अटेंशन अपनी ज़्यादा रखिए क्योंकि इस समय ओपी बाबा जी यहाँ पर नहीं है। ऐसा सबका विश्वास है। बहुत खूब, अब हम यहाँ से ना नीचे की ओर चलते हैं। अब हम चलते चलते मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं, वहाँ चल के कैफेटेरिया में लंच करेंगे, फिर हमारी रिटर्न जर्नी। सस्पेंशन ब्रिज पे वॉक करके ना बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है ना, अच्छा लग रहा है, बहुत खूब। मैंने ना अपने लिए फ्राइड राइस लिया, साथ में मैगी लिया, मैगी भी आ रही है, ठीक है डिश। अब देखो हम सियाचिन के बेस कैंप पे बैठकर फ्राइड राइस और मैगी खा रहे हैं, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लंच यहाँ मिल गया ये बड़ी बात है, क्योंकि मुझे एक बार लग रहा था अगर यहाँ पे नहीं हुआ लंच तो हम लोग फिर आज डिनर ही करेंगे सीधा। ओवरऑल ठीक है, यहाँ पर ना सियाचिन सोवनर शॉप है, अंदर चल के देख भी लेते हैं और अपने लिए कुछ ले भी लेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ों का रेट पता लगाया है, जैसे आप ये सियाचिन वॉरियर का ट्रैक सूट लेते हो पजामा के साथ तो इसकी कॉस्ट है 1200 रुपीज़। मैंने अपने लिए वैसे ये टी शर्ट ले लिया है 450 रुपीज़, और कलेक्शन में इनके पास क्या है, जैकेट्स भी हैं और साथ में कैप भी है और ये प्यारा सा मग भी है। ये जो जूते हैं ना, ये मैंने अभी इनसे पूछा था, कह रहे हैं 1600 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, सियाचिन वॉरियर्स। सही लग रही है ना सियाचिन, ग्रेट। सो या, और ये भी देखो एक एंजॉयमेंट है कि आप ऐसे कैफेटेरिया में बैठकर मैगी खा रहे हो या फ्राइड राइस खा रहे हो जिसके आगे ना कोई गांव है, इंडिया का वो लास्ट विलेज कह लो, विलेज तो पीछे रह गया, ये इंडिया का लास्ट कैफे है ये कह सकते हो, बड़ी बात है ना। और सामने ग्लेशियर देखते देखते हम यहाँ पर मैगी का टेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। गरम है, पौने 6 बजे का टाइम हो गया है। अब हमने ना गाड़ी रोकी है, थोड़ा सा व्यू देख लें क्योंकि अब माहौल थोड़ा शांत सा हो गया, इस तरफ को धूप निकल आई है, सामने वहाँ पे बादल हैं और ये नूबरा रिवर है, मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। मैं एक चीज़ आपको आज बताना चाहता हूँ, आज हमने जो सीखा इस रास्ते पर जाकर, कभी आपको सियाचिन बेस कैंप जाना है तो सुबह जल्दी निकलो, 12 बजे मत निकलो, जैसे सुबह आप 6:30 निकलो जिससे कि आप दोपहर में 2 बजे तक 2:30 बजे तक वापस आ जाओ या 3 बजे तक वापस आ जाओ, क्योंकि क्या होता है जैसे धूप निकलती है ना तो
तो ग्लेशियर का पानी पिघलता है और रोड साइड आ जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लो, ये रोड पार करके वहाँ जा रहा है। अभी जब से हम चले हैं तब से लेके इस प्रकार से रोड से पानी पार होता हुआ हमने कम से कम 6 से 7 जगह देखा है। अब ये हो रहा है और यहाँ से 200 मीटर आगे भी हो रहा है, यहीं से दिखाई दे रहा है ना वो देखो, और वहाँ तो पानी भी ज़्यादा है। सुबह आते समय इस प्रकार का वाटर क्रॉसिंग रोड से एक जगह भी नहीं देखा था और अब कम से कम 7 से 8 जगह ऑलरेडी देख चुके हैं। पनामिक के रास्ते पर हमने 2 किलोमीटर पहले आगे ना मुर्गी वाटरफॉल जाने के लिए टर्न ले लिया। बेसिकली हम राइट टर्न लेके गांव की तरफ आ गए। बीच में रोड के ऊपर 1-2 जगह पानी हमें उतरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सीधे चलते चलते अब हम एक ऐसे पॉइंट तक आ चुके हैं, मतलब 5 किलोमीटर का सफ़र करके ऐसे पॉइंट तक आ चुके हैं जहाँ से हमें मुर्गी वाटरफॉल दिखाई तो दे रहा है। कहाँ पर है फॉल? वो रहा सामने पहाड़ के ऊपर। एरियल डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो 2 किलोमीटर 2.25 किलोमीटर, लेकिन वहां तक हम नहीं जा सकते क्योंकि वहां तक जाने का रास्ता बंद है। अब ये पानी ना यहां तक आ गया, ये देखो इधर आ गया पानी सारा। अब कैसे आगे जाएंगे? थोड़ा सा आगे पैदल चले जाते हैं लेकिन फॉल तो फिर भी नहीं दिखेगा। कम से कम ये पानी जो बीच में से बह रहा है ना, इसी को देख लेंगे नजदीक से। इनका कहना ये है कि अगर मैं गाड़ी यहां से लेके गया ना, एक तो गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट बुरी तरह से बिगड़ जाएगी और दूसरी बात, अभी तो हो सकता है हम जैसे जैसे करके वहां पहुंच जाए लेकिन आधे पौने घंटे बाद जब वापस आएंगे ना तो ये पानी ज्यादा हो चुका होगा यहां पर, क्योंकि पिछली कुछ समय से पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, ऐसा इन लोगों को आपस में खबर आ जाती है ना। एनीवेज यहीं पर खड़े होकर व्यू देख लेते हैं और थोड़ा सा एरियल व्यू भी आपको दिखा देते हैं। बस आज का ही दिन है जब हम नुब्रा नदी को देख पा रहे हैं। कल ये नदी नहीं दिखाई देगी, कल हमको पैंगोंग जाना है। बहुत खूब, उस तरफ को भाव ज्यादा है। रुकेंगे यहां पर हम 10 से 15 मिनट फिर आगे बढ़ते हैं। पनामिक गांव से हम लगभग 400 मीटर ऊपर की तरफ ना हॉट वाटर स्प्रिंग विजिट करने आए हैं। स्प्रिंग के पास तक मैं पहुंच गया हूं, यहां कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मेन बात यह है कि हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर ना सल्फर कंटेंट ज़्यादा है जिसकी वजह से इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए अंदर चलते हैं। रास्ता कहाँ से है? यहाँ से जाने का। नीचे जो लेडीज मिली थी उन्होंने बोला था यहाँ पर 2 स्प्रिंग है, एक तो ये नीचे जाके जो इकट्ठा हो जाता है ना टैंक में, ये है घुटने के दर्द के लिए और उस तरफ जो है वो स्किन इन्फेक्शन के लिए। एक बार वो भी चल के देख लेते हैं। पानी अच्छा खासा तेज गर्म है। ये देखो जी, गर्म पानी का ये दूसरा सोर्स है। ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग है ये स्किन डिजीजेस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब ऊपर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि स्लिपरी भी है और ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है। यहाँ से ज़रूर देख सकते हैं और थोड़ा सा अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर ना पानी क्योंकि गर्म है ना, उसकी भाप उड़ती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ इधर नहीं। तो मुझे लग रहा है सोर्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 5 या 8 मीटर ऊपर होगा। आज का दिन ना हमारा बड़ा मज़ेदार चल रहा है।
अब तो डे एंड होने वाला है, सुबह से ही हम सीनिक व्यूज एक से एक बढ़कर इंजॉय कर रहे हैं। समझ लीजिए कि जब से हम लद्दाख आए हैं आज की जर्नी हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जर्नी रही है इन टर्म्स ऑफ व्यूज और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वेदर जो आज हमने इंजॉय किया, बहुत खूब। चलिए काम करते हैं, नीचे चलते हैं और फिर आगे प्लान करेंगे, क्योंकि लेक तो आज हमारा मिस हो गया। अब 7:20 हो गए और 5-10 में अंधेरा हो जाएगा, और वैसे भी लेक सुमूर के पास है। सुमूर पहुंचकर हमको थोड़ा सा 15-20 पैदल चलना पड़ता है, फिर लेक तक जाते हैं, तो लेक हम नहीं जा पाएंगे। फिलहाल नीचे चलते हैं, फिर आगे प्लानिंग करते हैं रेस्ट ऑफ द डे, हमको आज नाइट स्टे कहाँ पे करना है। मोमोज आ गए हैं, थोड़ी सी चटनी लगाते हैं। सही है, फ्रेश भले नहीं बने, अभी रीहीट करके दिया, लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छा है। अच्छी बात यह है कि टमाटर प्याज की चटनी है धनिया के साथ, और मोमोज के अंदर इन्होंने हरे कोई पत्ते डाले हुए हैं, क्या है मेरे को नहीं मालूम। ओवरऑल नाइस है, गुड, बहुत खूब। अब हमारा प्लान कुछ ऐसा है, यहाँ से 21 किलोमीटर का सफ़र करके हम सुमूर चले जाएंगे। रात को कहाँ रुकना है वो इस मोमेंट में हम डबल माइंड है। हम केसर गेस्ट हाउस में रुके थे, मेरे को जगह वो पसंद आई, केवल प्रॉब्लम है लाइट की, रात को 11 बजे के बाद लाइट नहीं रहती। ये ओवरऑल नुब्रा वैली में प्रॉब्लम है, सिर्फ जिनके पास सोलर पैनल्स हैं वो रात को लाइट दे देते हैं, या किसी के पास इन्वर्टर हो तो लाइट आ सकती है। लेकिन अब हमारे साथ मसला ये है कि हमारे पास ना बहुत सारे बैटरीज होती हैं, उन सबको चार्ज नहीं करेंगे तो अगला दिन हम शूट कैसे करेंगे, और आज के दिन तो हमारे पास बैटरीज बची ही नहीं है, टोटल एग्जॉस्ट हो गई हैं, कल भी अच्छे से चार्जिंग नहीं हो पाई थी। तो एक बार उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर उनकी जनरेटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हुई तो वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था जनरेटर सॉल्व हो जाएगा तो हमको 3-4 चलाकर आपका बैटरीज चार्ज करवा देंगे, नहीं होगी तो फिर देखेंगे। कोशिश करेंगे एक बार 2-4 विजिट करके कोई ऐसी जगह आइडेंटिफाई करें। तो कुल मिला के हमें ये सारा सर्वे जो करना है इसमें आधा घंटा लग सकता है, और ऑलरेडी अभी 7:40 हो गए हैं, तो मुझे लगता है जो भी जगह आइडेंटिफाई करेंगे पहुँचते पहुँचते सेटल डाउन होते 9:00 तो हो ही जाएगा। चलो अभी मैं आपको फिलहाल यहीं पर बाय बाय कर देता हूँ, कल हमारी आपसे मुलाकात होगी। कल हम जाने वाले हैं पैंगोंग लेक। बहुत साल से हम न्यूज़ में पैंगोंग लेक का नाम सुन रहे हैं, बहुत सारे व्लॉग्स वीडियोज़ देख रहे हैं, अब कल जाके फिजिकली खुद देखेंगे। अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगले एपिसोड में आप पैंगोंग लेक तक की जर्नी देखोगे, ठीक है जी। आज का एपिसोड ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।